और अभी आपको बताएं, जैतून सिटी डेवलपर्स के इश्तराक से DHA फेज 5 में क्रिकेट का मेला सजा। डिफेंस सुपर लीग की फातेह टीम को गाड़ी का इनाम मिला। दूसरे नंबर पर आने वाली टीम 5 लाख की हकदार ठहरी। जैतून सिटी डेवलपर्स के इश्तराक से DHA फेज 5 में क्रिकेट का मेला सजाया गया। डिफेंस सुपर लीग में खिलाड़ी भरपूर एक्शन में नजर आए। डिफेंस सुपर लीग की फातह टीम को इनाम में गाड़ी दी गई, जबकि दूसरी पोजीशन पर आने वाली टीम 5 लाख रुपए इनाम की हकदार ठहरी। पिछले 6 साल से कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं हुई है, तो हमारे इलेक्ट होने के 3 महीने बाद बड़े शॉर्ट स्पैम में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग करवा दी है, टेप बॉल की। इसमें 64 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है और कोई 832 लोग जो हैं वो इधर इन एक्शन नजर आए। जैतून सिटी के GM सेल्स असगर वसीम और सदर DHA एसोसिएशन मियां तलत का कहना था, खेलों के सेहतमंद मुकाबले मस्बत तफरीक का बायस बनते हैं। ये खूबसूरत जो टूर्नामेंट हो रहा है, DHA डीलर्स एसोसिएशन ने तमाम रियल्टर्स की टीम्स खेल रही है क्रिकेट का टूर्नामेंट, और इसका जो क्रेडिट जाता है मियां तलत साहब की टीम, जिसमें डायरेक्टर स्पोर्ट्स एजाज रामे और सरफराज साहब ने बड़ी एफर्ट पुट की है, और मैं मुबारकबाद दे रहा हूं जो विनर टीम है। माशाल्लाह बहुत अच्छी गेम देखने को मिली। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। एसोसिएशन के तमाम अहदेदारों ने मिलकर आज ये मेला सजाया है और इसको स्पॉन्सर किया है जैतून सिटी ने, उनके भी हम मशहूर हैं। डिफेंस के रिहायशों ने इवेंट के इनेकाद पर जैतून सिटी और DHA इंतजामिया के इकदाम को सराहा। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमराह दिलावर नियाजी, सिटी 42। जिला इंतजाम